ये सर मुझे बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो आपने पहले ही बता दिया था कि ग्वार की कीमतों में अभी तेजी आने को तेजी आ सकती है। जब आपसे लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी पिछले इंटरव्यू के दौरान आपने कहा था कि ग्वार की कीमतों में तेजी देखने को मिलेगी, वो तेजी हम देख रहे हैं। आपने जो लेवल दिया था 10,500 10,600 का ग्वार गम का, आज वो लेवल अचीव हो चुका है। और ग्वार सीड का भी जो आपने लेवल दिया था 6,000 का, आज आपका वो लेवल भी अचीव हो चुका है। तो अब आपको यहाँ से क्या लगता है, जिस हिसाब से प्रोडक्शन आगे कम रहने की जो प्रेडिक्शन है वो बताई जा रही है, तो अब ग्वार की कीमतों में आगे तेजी रहेगी या मंदी? देखिए ग्वार से ग्वारगम के भावों में हमें लगता है कि तेजी का रुझान रहेगा। यहाँ पर आज हमने अच्छी रिकवरी देखी है, हमें लगता है कि ये रिकवरी आगे भी कंटिन्यू रह सकती है। हमें लगता है कि जिस तरह क्रूड के भाव ऊपर आए हैं और इंडस्ट्रियल डिमांड थोड़ी यहाँ देखने को मिली है, साथ में देखें तो राजस्थान में जो बारिश हुई है उसके क्रॉप को कहीं ना कहीं नुकसान होता हुआ दिखाई दिया। हमें लगता है कि जो ट्रेंड है आगे भी कंटिन्यू रहेगा, एक्सपेक्टेड है ग्वार सीड के भाव करीबन 6,200 जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा, और ग्वारगम के भाव करीबन 10,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो 10,800 अगर ब्रेक करेगा मार्केट को, हम फिर 11,000 के ऊपर के लेवल भी आते हुए देखने को ग्वारगम में। एक्सपोर्ट भी इस बार पहले के मुकाबले बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, तो हमें लगता है कि जो फंडामेंटल सेक्टर है वो काफी सपोर्टिव है और टेक्निकल कॉन्टेंट भी ट्रेंड पॉजिटिव आता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि ग्वार सीड ग्वारगम में आगे ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पर खिलाड़ी का ट्रेंड रखना चाहिए। जी,